ठीक है ऑल ओके ऑल ओके चलो कूल cool. देखो कल आपको जो मैंने प्रश्न कराया था कल ये आखिरी प्रश्न था कि आइडेंटिफाई करेक्ट टाइप ऑफ फूड चेन जिसके अंदर मैंने आपको क्या कहा था कि ग्रास रैबिट और फोक्स वाली कैसी थी आपकी ग्रेजिंग वाली थी और ये कौन सी क्या है ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूं ठीक है चलो चलो आगे प्रश्न है आपका कि भैया विच हैज बेस मेटल ऑफ मिश्र धातु का आधार धातु कौन सी है एल्यूमिनियम मरकरी कॉपर जिंक जल्दी से बता दो यहां पे क्या आंसर हो जाएगा मैम वर्सेस मैम दंगल टू है कौन सी मैम वर्सेस मैम सी कॉपर हाँ बिल्कुल गुड आफ्टरनून पूजा वेरी गुड आफ्टरनून स्वीटी चलो अच्छा मैंने अमेलगम के बारे में बताया था ना कि जब भी हम मरकरी के साथ यानी पारे के साथ किसी और धातु को मिलाते हैं तो हम हमेशा उसको क्या कहते हैं अमेलगम कहते हैं उसका कोई नया एलोए का नाम नहीं मिलता कि आप अगर उसके मरकरी के अंदर अलग अलग प्रकार का कुछ भी मिला दो उसको हमको हर किसी को अमेलगम ही कहा जाएगा तो आंसर आपका क्या आएगा यहाँ पे मरकरी आ जाएगा पारा है ये बुध नहीं बारा है ये बी हो जाएगा बहुत सही नवनीत बहुत सही कॉपर कैसे कह रहे हो भैया कॉपर कैसे कह रहे हो राहुल नहीं 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 मर्करी होगा आगे है ऑफ ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ग्रेफाइट ग्रेफाइट की graphite की संरचना कैसी है इसमें पहला है रिजिड डायमेंशनल ठीक है कठोर थ्री आयामी या फिर हेक्सागनल फिर आपका लाइक like फुटबॉल फिर नो ऑप्शन इज करेक्ट अच्छा आपने देखा होगा कि जो कार्बन है ना कार्बन के एलोट्रोप्स होते हैं आपके तो कोल था वो जो कोल था ना वो आपका थ्री डायमेंशनल था वो आपका थ्री फॉर्म में था ना एक आपका कार्बन इधर है इधर, 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 इधर और था था परंतु वहीं पे अगरगनल की, की, है, है कैसे होते हैं बहुत, है, बहुत खूब प्रश्न बनाता है जैसे कि आपकी बात करूं ग्रेफाइट है आधातु है क्या है ग्रेफाइट एक आधातु है आधातु कभी भी इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट नहीं करते हैं परंतु ये जो आपका है 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 ना ग्रेफाइट प्यारा ये 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 क्या क्या करता करता विद्युत धारा को 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 प्रवाहित करता है। ये उसको क्या करेगा के के फ्लो, को, के फ्लो को जाने देगा ये उसका अच्छा कंडक्टर साथ में ये जो है आपके के अंदर होता है यूज होता है। ठीक है? और परतों में होता है 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 ठीक और में दूसरी चीज होता है, है। आपको है ना आपस में ऐसे कनेक्टेड होंगे ये तो आपकी हेक्सागनल ये लेके चलता है ठीक है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई हेक्सागनल अब यहाँ पे फुटबॉल की बात की गई है तो आपको यहाँ पे एक चीज याद आ रही होगी कि फुटबॉल के जैसे हमारा था बक मिनिस्टर फुलर क्या था बक

रेडिएशन की मदद मतलब से क्या हो जाएगा आपका ये ठंडा हो जाएगा फिर कह रहे नॉट बिकम कोल्ड कि ठंडा नहीं होएगा अब यहाँ पे अगर मैं बात करू किस चीज की वुडन की बात करूँ तो आप सबको पता है वुड जो है कभी भी हीट को ट्रांसफर नहीं करता है हीट को ट्रांसफर नहीं करता है ये उसका बेड होता है इंसुलेटर होता है कंडक्टर होता ही नहीं है वो उसका यानी कि हीट जाएगी ही नहीं वो ठंडा होगा ही नहीं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा अरे बिल्कुल चला देंगे सत्यम कुमार जी पेशेंस रखे आप तो ऐसा हो रहा है जैसे खुदा के चला देंगे इसको है सबर रखें जो क्लास चल रही है पहले उसको तो पढ़ लो आगे है विच एसिड इज मोस्टली अबंडेंट फाउंड इन द ग्रेप्स कि आपके अंगूरों के अंदर कौन सा अमल प्रचुर मात्रा में पाया जाता है पहला ऑक्सैलिक दूसरा एस्कॉर्बिक फिर आपका टार्टेरिक फिर आपका फॉर्मिक फिर आपका फॉर्मिक बहुत ही सही बेस्ट रसोई घर गैजेट सिद्धार्थ दीपक पूजा वेरी गुड चलो देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं आपके सबसे पहले ऑक्सैलिक एसिड कहाँ पाया जाता है ये नॉर्मली इसका प्रश्न आपका टोमेटो पे पूछा जाता है एस्कोरबिक एसिड आप सबको पता है विनेगर की बात यहाँ पे हो रही है ठीक है आपके टार्टेरिक की बात करूं तो टार्टेरिक यहां पे आपके ग्रेप्स के लिए भी है और साथ ही साथ मैंगो के अंदर भी पाया जाता है फॉर्मिक एसिड की बात करूं तो फॉर्मिक एसिड आपको पता होगा एंट का जो स्ट्रिंग होता है वहां पे मौजूद होता है और आपके प्रश्न यही से पूछे जाएंगे ठीक है तो आंसर विल बी योर सी टार्टेरिक एसिड विल बी द आंसर सी विल बी द आंसर टार्टेरिक एसिड एवरी वन डू लाइक द सेशन सी कंजूस हो तुम लाइक नहीं करते भाई बिल्कुल भी देखो थर्टी फाइव लाइक्स हैं और बच्चे नाइन्टी फाइव हैं नॉट दैट गुड मतलब तुम लोग क्या चाहते हो कि पहले एक बार खड़ी होकर मैं ऐसे करा क्योंकि लाइक करो पहले है ना कर दिया करो यार पहले ही क्या लगता है आगे द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इन टू इट कॉम्पोनेट कलर इज कॉल्ड श्वेत प्रकाश के अपने घटक रंगों में विभाजित होने को क्या कहा जाता है पहला है फिर है रिफ्रैक्शन फिर आपका डिस्पर्जन फिर आपका स्कैटरिंग अच्छा बहुत ही अच्छा प्रश्न है बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये और बहुत ही ईजी प्रश्न भी है क्या है बहुत ही ईजी प्रश्न भी है चलो बताओ जल्दी से आंसर क्या हो जाएगा इसका बताओ जल्दी से डिस्पर्जन आर यू श्योर डिस्पर्जन लोपा लाइक है क्या कह रहे हो डिस्पर्जन बहुत सही बहुत सही डिस्पर्जन हो जाएगा भाई डिस्पर्जन हो जाएगा फैलाव हो जाएगा क्या कर रहे हो बी कैसे जा रहे हो रिफ्रैक्शन क्या होता है रिफ्रैक्शन तो कैसे भी नहीं जा सकते भाई बी वालों वेरी गुड सूरज नीलम रॉबिन पूजा रा, राव राव ने गलत आंसर दिया है भाई डी नहीं होगा आपका Scattering क्या होता होता है? है है दूसरी चीज़ होती है आपकी. Scattering है बिखरना. जैसे कि आपने देखा है कोई रंग आपका बहुत ज्यादा फैलता हो कुछ ज्यादा ही नजर आए. जैसे आसमान आसमान नीला क्यों दिखाई देता है स्कैटरिंग की वजह से क्यों क्योंकि जो नीला रंग है ना वो फोकस्ड नहीं रहता वो बहुत फैलता है वहां पे जाके है ना तो आपका वो हो जाएगा यहाँ पे चलो इसी के साथ अगला प्रश्न है कि वि ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट कौन सी स्टेटमेंट इनकी कथन कथन जो है इनका सही है ठीक है पहला कह रहा है इंड्यूस करंट बिल्कुल कह रहे हैं अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चेंज करते हैं तो इंड्यूस करंट भी होगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है करता है भाई अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चेंज करेंगे तो इंड्यूस करंट बनेगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ये सही कह रहा है ठीक है सही कह रहा होगा या फिर कह रहा है कि फ्लो ऑफ करंट इन ए कंडक्टर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड ये भी बात सही कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है कैसे होता है इलेक्ट्रिसिटी शो करती है जिस समय पे करंट बहता है तो उस समय पे आपका मैग्नेटिक फील्ड साथ साथ होता है उसमें कोई भी डाउट वाली बात नहीं है यानी कि ये चीज भी क्या है सही है फिर कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड रिलेटेड टू कोयल कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय मोशन बिटवीन कंडक्टर एंड कोयल

आगे है विच गैस इज यूज एज फ्यूल इन अ रॉकेट रॉकेट में ईंधन के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है पहला है आपका रेडोन, फिर है आपका हाइड्रोजन क्लोरीन और नाइट्रोजन बहुत इजी है कुछ भी इसके अंदर नहीं है ऐसा कुछ नहीं है कि जो आपको समझ में ना आए बताओ जल्दी से यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा चलो सारे सही थे बिल्कुल अच्छा लोपा लाइक नहीं कर रहा कोई बात नहीं सो तो के अगर आपका मन करे आप मुझे काबिल समझते तो करते ना? नहीं तो कोई बात नहीं सोके हाइड्रोजन एग्जैक्टली वेरी गुड बेस्ट रसोई रॉबिन विकास धनाबीर दि, दिलपो अजय बहुत सही हाइड्रोजन हाइड्रोजन अच्छा हाइड्रोजन और कहां, कहां पूछा जाता है अगर आपसे कोई कहे कि लाइटेस्ट गैस तो आपका हाइड्रोजन लाइटेस्ट के साथ हाइड्रोजन के साथ ना हीलियम भी आता है याद रखना हीलियम भी लाइटेस्ट होता है इसीलिए हाइड्रोजन और हीलियम को हम गुब्बारों के अंदर भी भरते हैं जो उड़ने वाले गुब्बारे होते हैं उसमें भी भरा भर जाता है इनको ठीक तो है तो आंसर विल बी बी हाइड्रोजन आगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड इंसुलेटर कि इनमें से कौन सा एक आपका क्या है कुचालक है अच्छा कुचालक है ठीक है पहला है मरकरी दूसरा है कैडमियम तीसरा है जर्मेनियम फिर है आपका ग्लास बताओ जल्दी से ओके लो पामुद्रा बह, बहरिया बहुत सही ओके थैंक यू सो मच फॉर द हर्ट्स हाँ जी बताओ जल्दी से बहुत सही पूजा देखो इंसुलेटर की बात करो तो मरकरी कैडमियम जर्मेनियम ये तो आपकी क्या आ गई भाई यहाँ पे मेटोज हैं धातुएं हैं ये तो करेंगी ठीक है यहाँ पे ग्लास कांच ये क्या है ये आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ठीक है तो आंसर विल बी डी ग्लास ग्लास कभी भी आपकी इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसपोर्ट नहीं करता है ये आपका कभी भी हीट को ट्रांसपोर्ट नहीं करता है आगे विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट अबंडेंट वाइटमिन फाउंड इन कैरेट गाजर के अंदर सबसे ज्यादा पाए जाने वाला विटामिन कौन सा है तो आपने देखा होगा कि जिसके ज्यादा चश्मे चढ़े होते हैं उनके अंदर विटामिन ए की कमी होती है है ना वाइटमिन ए की कमी है तो उनकी मम्मी क्या करती है गाजर का जूस और ए ज्यादा तो होता है क्या होता है, होता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है अच्छा यही रिपीट हो गया सॉरी आगे है कि द स्पोर तो प्रोड्यूसिंग प्लांट इज बीजाणु उत्पादक पौधा है कौन सा रोज ब्रेड मोल्ड पोटैटो जिंजर बताओ जल्दी से अब यहाँ पे बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा यहां पे अलग से आंसर दिख रहा है कुछ भी नहीं है बताओ अच्छा यहां पे आपको दिख रहा है ये ब्रेड मोल्ड ये ब्रेड मोल्ड क्या है ये ब्रेड मोल्ड है आपका राइजोपस क्या है राइजोपस जो कि एक क्या है पंजाई है जो क्या है एक पंजाई है ठीक है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका आंसर बी हो जाएगा क्या हो जाएगा भाई बी हो जाएगा ये आपकी फंजाई है ये स्पोर से करती है और आपको पता होना चाहिए कि जो स्पोर है वो एक प्रकार का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है कैसा है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ठीक है डी देखो मैं आ गया गलत आंसर बता के चला गया डी बता रहा है बता जिंजर पागल सा आगे में के लिए कौन सा कहीं सोचो कि भाई मर्दानगी कैसे आती है लड़कियों को पीट के गाली दे के है माँ बहन की गालियां दे के मर्दानगी आ जाती है किसी को पीट देंगे कूट देंगे मार देंगे छोड़ेंगे नहीं ऐसे ऐसे कर देंगे वो मर्दानगी नहीं होती बेटा वो होती है हरामपंथी ठीक है उसके अलावा बहुत सी अच्छी चीजें होती है करने को बट यहाँ पे बायोलॉजिकली अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आ जाता है क्रोमोसोम्स और मैं आपको बता चुकी हूं कल भी कि एक्स एक्स की बात आती है तो आपकी हमेशा फीमेल बनती है और अगर बात करूं एक्स वाई की तो वहां पे आपके मेल बनते हैं और यहाँ पे मेल के साथ एक चीज आपकी होती है कि ये आपका डिपेंडेंट होता है कि भाई ये क्या बनाएगा इसका बच्चा क्या होगा मेल या फीमेल ये इस बाप के ऊपर होता है ठीक है तो आंसर विल बी डी एक्स वाई एक्स वाई ठीक है चलो चलो आगे है कि मानव अपने आंख पर डैश की वस्तु का प्रतिबिंब बनाती है बताओ भी कहाँ बनता है कॉर्निया पे आयरिस पे प्यूपल पे रेटिना पे बताओ जल्दी से अच्छा ठीक है ऐसा ही कुछ प्रश्न पूछा जाता है ये कहा जाता है कि कैमरे की जो फिल्म होती है कैमरे की जो फिल्म होती है वो आपकी आंख के किस भाग से मिलती है तो उस फिल्म पे क्या चित्र, चीज रेटिना के साथ होता है और बन हो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा प्रतिबिंब बनता है इमेज कैसी बनती है हमेशा उल्टी बनती है कैसी बनती है हमेशा इनवर्टेड बनती है उल्टी बनती है अब आप कहोगे कि मैम हमारे दिमाग अगर रेटिना पे उल्टी है तो हमको उल्टा नहीं दिखाई दे रहा आपका आपका इमेज उल्टा है नर्व जब जाती है तो आपका एट द एंड वो सीधा ही दिखेगा ठीक है तो आंसर आपका डी हो जाएगा रेटिना हो जाएगा आगे है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कि इनमें से कौन सा बहु के जीव नहीं है पहला है फंजाई फिर स्पाइरोगायरा फिर हाइड्रा फिर आपका पैरामीशियम बहुत बार रिपीट हुआ है भाई, हाई एंड क्वेश्चन है बहुत बार रिपीट हुआ है ये और आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा हाइड्रा क्या जा जाएगा हाइड्रा खूब रिपीट हुआ है ये प्रश्न कम से कम चार पांच बार तो मैं देख चुकी हूँ इसको टू थाउजेंड सिक्सटीन में भी आया था एक शिफ्ट में सेवनटीन में भी है एटी में भी है और आपका ट्वेंटी ट्वेंटी के अंदर

नहीं इता ही कैडमियम से हो रहा था मिन मिनाता था मरकरी से मरकरी से मिन मिनाता रोग था जो कि मैंने आपको कराया उसके बाद मैच द फॉलोइंग के अंदर कैडमियम और मिन आ, या आपका आ, कैडमियम मिन मिन होता, इताई इताई होता है इताई इताई, इताई कैडमियम की वजह से होता है ये आपका जो है ब्रीथेबल है किसके अंदर आपको सांस नहीं आता है अच्छे से यह आपकी स्किन डिजीज है ये कैसी डिजीज है स्किन डिजीज है ठीक है और ये आपकी वाइटमिन बी से कमी से होती है यह भी याद रखना चीज को तो आंसर बी इताई इताई आगे है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनिक गैस कि इसमें से कौन सी गैस एक कार्बनिक गैस है कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड इथाइलिन डाइक्लोराइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अब ये सोचना कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है आ, या फिर मैं बात कर लू किस चीज की कार्बन आ, कुछ है तो आप वहां पे उसको खोगे कार्बनिक गैस ही है नहीं वो कार्बनिक गैस नहीं है बताओ जल्दी बताओ जल्दी भाई सी इथाइलिन डाइक्लोराइड बिल्कुल सही कह रहे हैं आप इथाइलिन डाइक्लोराइड यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा इथाइलिन डाइक्लोराइड यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ठीक है चलो आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे अगला प्रश्न कह रहा है कि बेजल प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग बेजल प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किससे संबंधित था पहला है ओजोन लेयर फिर है बर्निंग ऑफ फॉरेस्ट फिर कह रहे सी वाटर पोल्यूशन फिर कह रहे कि ओजोन की परत जंगलों का जलना या समुद्री जल प्रदूषण सीमा पार खतरनाक डंपिंग बताओ जल्दी से अरे इंजीनियर्स बालक थ्योरी भी कराएंगे किसने का थ्योरी नहीं करा रहे अभी तो आपको गिव अवे मिला था कल तो आई uh, थिंक दस पेड फ्री है आपकी है ना जिसने गिव अवे में लिया होगा एनरोल किया होगा छुरी भी कराएंगे टेंशन ना लो आप और सभी बच्चे लाइक कर देंगे सेशन को देखो आप लाइक नहीं करते इस चीज में बहुत कंजूसी करते हैं अगर मैं यहाँ पे बात करूं बेसल की तो यहाँ पे सी आंसर बिल्कुल भी नहीं होगा अंकुर अंकुर कुमावत और आपका डी आंसर यहाँ पे हो जाएगा क्या हो जाएगा डी आंसर यहाँ पे हो जाएगा कि ट्रांस बाउंड्री हेजर्ड डंपिंग देखो था क्या ना आपने देखा होगा कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं है ना बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं इतनी सारी चीजें हैं उनकी इतना वेस्ट भी बनता होगा वो वेस्ट वहां क्या करते थे या तो नदियों में बहा दिया भाई ठीक है नदी खराब कर दी उन्होंने ऐसे ठीक है या फिर कोई ऐसा बेस हो जो फेंकने का हो तो थोड़ा सा दूर जहां पे कोई ना रहता हो वहां पे फेंक है परंतु उसके फेंकने से वहां पे आपकी गंदे गंदी गैसेस बनती हैं जो आपके लिए हार्मफुल होती हैं या फिर मैं बात करूं आपकी दूसरी चीजों की अगर वहां से हम बास बाइक कर रहे हैं तो हम इनहेल भी तो करते ना हमारे एटमोसफेयर को तो, एटमोसफेयर को भी तो खराब कर रही है वो तो आपका यहाँ पे आंसर डी हो जाएगा क्या हो जाएगा डी हो जाएगा किसने कहा अबे त्रिपाठी मैंने खुद सुबह क्लास लिया गलत तो मत कहो कम से कम आगे है कि विच ऑफ पैरासिटिक फूड चेन भाई एक बात बता रही हूँ फूड चेन को ना रट के चले जाना फूड वेब फूड चेन रट के जाओगे इसको क्योंकि यहाँ से ना हर साल प्रश्न आता है हर साल प्रश्न आता है हर रोज एक प्रश्न कराती हूँ आप लोगों को मैं पेर... फूड चेन पे अलग अलग क्वेश्चन आते हैं कभी आपसे ग्रेजिंग वाली पूछ लेते हैं कभी पैरासिटिक वाली कभी डेटेटर्स वाली कभी ग्रासलैंड वाली हमेशा आ रहा देखो चार पांच तो हमको भी याद है कौन सी कौन सी है एक आपसे एक्स पूछ लिया था बताओ इस एक्स पे क्या आएगा ठीक है तो याद करो इसको अच्छे से थ्यूरी भी कराएंगे बिल्कुल कराएंगे थोड़ा सब्र रखो पहला है ट्रीज फ्रूट ईटिंग बर्ड लाइस एंड बर्ग फिर कह रहे हैं ग्रास रेबिड फॉक्स टाइगर ग्रास ग्रास हो पर स्नेक हॉक फिर कह रहा है कि आपका फाइटो प्लैंगटोन जू प्लैंगटोन फिश हॉक बताओ जल्दी से यहां पे आपकी कौन सी चेन हो जाएगी ये बताओ जल्दी से वन का डी सीरियसली सीरियसली क्या पूछा है इसने पैरासिटिक फूड चेन पैरासिटिक फूड चेन कौन सी होती है कि जिसके अंदर आपके पैरासाइट इन्वॉल्व हो और पैरासाइट क्या होते हैं कि जो किसी और जीव के ऊपर होते हैं और उसको जिंदा रहने देते हैं जैसे कि किसी के सर में आपने जुए देखी है वो मारता थोड़ी है कि उसके सर में जुए होगी तो मर गया नहीं ना सर में जुए भी है वो भी घूम रहा है और दूसरों को भी जुए कर रहा है ना यानी कि वो पैरासिटिक चीज़ है जो उसके सर में हैं वो पैरासिटिक है वहां पे ठीक है तो वही चीज यहाँ पे होगा कि ट्रीज हैं ट्रीज को ऊपर खान डिपेंड कर रहे हैं आपके बर्ड्स और बर्ड्स के शरीर के ऊपर बग्स तो आपका ए आंसर नहीं हो जाएगा पैरासिटिक में कमाल की बात कर रहे हो A हो जाएगा बी और सी ये दोनों ग्रासलैंड वाली हैं। कैसी है ग्रासलैंड वाली हैं। और आपकी फाइटो ये, है, ये कैसी है ये डेट्रीटस वाली है क्यों क्योंकि यहां पे एक दूसरी ही चीज आ रही है देखो हॉक एक लाइन में नहीं चल रही हॉक आपका पानी में थोड़ी रहता है ए आंसर हो जाएगा क्या कर रहे हो हाँ बिल्कुल कराऊंगी सबर रखो थोड़ा दीपक कुमार ठीक है तो आंसर विल बी ए आंसर ए ध्यान दो देखो अगर तो सीधी -सीधी धरती रह तो वाले ही आएंगे पानी वाला नहीं आएगा कोई बैक्टीरिया नहीं आएगा परंतु अगर उस सीधी सीधी जाने के बाद वहां पे किसी और पानी का हवा का कोई आ जाता है तो वो आपका डेट्रिटस में चला जाएगा ठीक है परंतु ऐसा नहीं कि बिल्कुल अलग होना चाहिए उनका इकोसिस्टम अलग होना चाहिए ठीक है जैसे पानी का इकोसिस्टम अलग होता है धरती का अलग होता है अगर आपस में उन दोनों का कोई लिंक बैठ जाए तो आपका डेट्रिटस में जाएगा अब अगर मान लो वहां पे लास्ट में फंजाई बैक्टीरिया जो डीकंपोजर्स होते हैं उपघटक होते हैं उनकी बात हो जाए लास्ट में एंड में जाके ठीक है कि भाई गल सड़ गया इसमें कन्वर्ट कर दिया इसने वो डिकम्पोजर होता है अगर लास्ट में पैरासिटिक है तो पैरासिटिक है यानी कि यहाँ पे आज का ये वाला याद रखना हमेशा आता है एक अरे बिल्कुल करवा देंगे सुनील थोड़ा समाई सहजता धीरता रखें कर आगे है कि सॉल्ट इज एडेड टू तो वॉटर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वॉटर इज कि भाई जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो पानी का क्वनाक होता है कैसा कम अप्रभावित बढ़ता हुआ या फिर आपका कॉन्स्टेंट रहता है वही समान रहता है अच्छा आपने देखा होगा कि जो चीज जितनी ज्यादा प्योर होती है वो उतनी जल्दी उबलती है फॉर एग्जाम्पल कभी अपनी मम्मी से पूछना आप सबकी मम्मी को अच्छे से पता होगा मम्मी को बोलना मम्मी एक तरफ तो आपका पानी है जो कि बिल्कुल प्योर है आरो का पानी है आरो का पानी है एक तरफ वो पानी है जो कि हम किसी नलके से कुएं से लेके आएंगे ठीक है तो कौन से पानी के अंदर जल्दी सब्जी बनेगी किसके अंदर जल्दी सब्जी बनेगी वो आपकी बनती है आरओ वाले के अंदर क्यों क्योंकि यहां का बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा क्योंकि कोई इंप्योरिटी नहीं है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा कम हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा जल्दी वो पका देगा आपका ठीक है वहीं पे आप नमक की बात कर लो नमक की बात कर लो सोल्ट डाल दिया यानी कि इम्प्योरिटी डाल दी इम्प्योरिटी डाल दी तो यानी कि आपका टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा वहां पे मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट वाला ठीक है तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा भाई इंक्रीज हो जाएगा बड़ा हुआ हो जाएगा ठीक है याद रखना याद रखना आपसे कई बार ये भी पूछा जाता है कि प्रेशर कुकर जो होते हैं क्या होते हैं प्रेशर कुकर की बात पूछी जाती है कि भाई प्रेशर कुकर जो होते हैं उस प्रेशर कुकर के अंदर इतना खाना कैसे बनता है प्रेशर कुकर के अंदर आपका जो तापमान है बढ़ता है या है। आपको लगता होगा की अगर मैं बात करूं तो इस दाब की वजह से यह तापमान बढ़ता है याद रखना दाब और तापमान प्रेशर कुकर में बढ़ जाते हैं इसीलिए खाना भी हमारा जल्दी बन जाता है ये भी पूछा जाता है कई बार याद रखना इस चीज को गैस इन मेक इट्स एसिडिक इज़ पानी में घुलने वाली गैस जो इसे अमलिया बनाती है हाइड्रोजन नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड अमोनिया बताओ जल्दी से बिल्कुल इंक्रीज होता है प्रेशर दोनों चीज इंक्रीज होएंगी प्रेशर एंड टेम्परेचर बताओ जल्दी से अच्छा इसने कहा है आपका एसिडिक जो बनाएगा ठीक है हम कह देते हैं भाई पानी के अंदर जो है कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा तो वो एसिडिक बना देगा कैसे यहाँ पे आपका एच टू ओ है यहाँ पे आपका सी ओ टू है ठीक है अब अगर मैं बात कर लेती हूं यहाँ पे तो आपका क्या बनना चाहिए भाई क्या बनना चाहिए अलग से दिख रहा है आपको क्या दिख रहा है एच टू थ्री और ये क्या होता है ये कार्बनिक एसिड होता है ये क्या होता है कार्बनिक एसिड होता है यानी कि आंसर क्या हो जाएगा आपका ये हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा सी हो जाएगा ठीक है सी हो जाएगा क्यों क्योंकि कार्बनिक एसिड बन जाएगा कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड से समझे चलो आगे है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ऑफ ए सोल्यूशन इज मेजर्ड यूजिंग एक विलन विलन की विलेन की हाइड्रोजन आयन सादरता को मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं थर्मोमीटर पीएच मीटर हाइड्रोमीटर बैरोमीटर अच्छा क्या करेंगे हम भाई देखो बात करें अगर मैं किस चीज की थर्मोमीटर की तो इससे तो हम क्या मापते हैं टेम्परेचर टेम्परेचर ठीक कह रही हूँ मीटर इसकी बात नहीं करते हम पहले नीचे आ जाओ हाइड्रोमीटर स्पेसिफिक ग्रेविटी स्पेसिफिक ग्रेविटी मापते हो आप इससे ठीक है बैरोमीटर प्रेशर मापते हो प्रेशर मापते हो अब आपके पास है पीएच मीटर जो इसका करेक्ट आंसर है जो इसका क्या है करेक्ट आंसर है अच्छा पीएच का मतलब क्या होता है पीएच का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन पीएच का मतलब होता है पीएच का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन किस चीज की किस चीज का अरे भाई ये क्या हो गया अरे अरे किस चीज का पोटेंशियल ऐसा क्या होएगा इसका पोटेंशियल हाइड्रोजन का कि प्रोटॉन्स के अंदर कितनी जल्दी डिसोसिएट होता है कितना डिसोसिएट होता है ठीक है आपके एच पॉजिटिव के अंदर हाइड्रोजन का एच पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट होने का पोटेंशियल ये होता है पीएच जितना ज्यादा आपका यहाँ पे हाइड्रोजन आयन जो है होते जाएंगे उतना ज्यादा किसी चीज का पीएच आपका होता जाएगा सिंपल सा है तो आपका यहाँ पे आंसर क्या होएगा भाई ये पीएच मीटर हो जाएगा क्या हो जाएगा पीएच मीटर हो जाएगा आगे है कि नॉन बॉन्डिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर इन्वॉल्व ओनली इन कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन इन्वॉल्व ओनली इन आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन इन्वॉल्व इन बोथ आयनिक एंड कोवेलेंट फॉर्मेशन किसी में भी नहीं है भाई बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा यहाँ पे बहुत ही इजी प्रश्न है पोटिकल ऑफ हाइड्रोजन अच्छा है बढ़िया था सेशन लाइक कर दो एवरीवन वन ना अच्छा नॉन बॉन्डिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की तो बाद में बात करते हैं पहले आपके ऑप्शंस को देखो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में क्या होता है कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में हम उन इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं जो कि हमारे बॉन्डिंग में नहीं होते हैं और उनको शेयर करके हम क्या कर लेते हैं वहां पे बॉन्ड बना लेते हैं है ना जब भी बात आए किसकी कोवेलेंट बॉन्ड की तो हमेशा वहां पे नॉन बॉन्डिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात होती है यानी कि वो किसी बॉन्डिंग के अंदर शामिल नहीं है वो वेले है वो खाली है वहां पे कोई नहीं आ रहा उनके पास कोई उन्हें प्यार नहीं कर रहा तो वहां पे भाग के आएगा कौन सा कोवेलेंट बोन्ड मैं हूं ना ठहरो मैं हूं मैं बनाता हूं बोन्ड तुम्हारा ठीक है तो यहाँ पे आपका आंसर ए होना है आयनिक की बात करो तो आयनिक तो आयंस के बीच में करेगा आयंस के बीच में आप इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ी ना आयंस को इस पर थोड़ी ना घुसेड़ दोगे आप आयनिक के अंदर इधर तो आपकी डायरेक्ट शेयरिंग होती है हैं बराबर की बराबकी गुड इवनिंग अंकुश जी गुड इवनिंग चलो तो आंसर क्या हो जाएगा भाई आपका ये हो जाएगा आयनिक के अंदर कभी भी नहीं होते हैं आयनिक के अंदर आपके बॉन्डिंग वाले इस्तेमाल होते हैं कौन से होते हैं हैं बॉन्डिंग वाले होते नॉन बॉन्डिंग नहीं होते ठीक है ए हो जाएगा आगे है कि वेन इज द वर्ल्ड अर्थ डे सेलिब्रेटेड वर्ल्ड अर्थ डे कब मनाया जाता है चार अप्रैल बाईस अप्रैल एक मई तेईस मार्च बताओ जल्दी से बताओ जल्दी से नहीं एकदम से खुजली हो जाती है ना नाक में तो आपका आएगा यहाँ पे आंसर 22 अप्रैल क्या आएगा 22 अप्रैल आएगा बी आ जाएगा भाई यहाँ पे यहाँ पे तो कोई एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है है ना बी करेक्ट है अब अगला है कि वर्ल्ड नो टोबैको डे वॉज ऑब्जर्वड ग्लोबली ऑन कि विश्व तमकू निषेध दिवस विश्व स्तर पर मनाया जाता है कब भाई 31 मई 2 जून 15 जून 20 जून अरे सुचेता कुमारी जी कहिए कैसे हाल चाल है आपके कैसे हाल चाल है आपके ठीक है आप पड़ोसी ठीक है आपके घर वाले ठीक है आपके ठीक है तुम लोग भी ना बाबू यार क्या करते हो चलो इकतीस मई बहुत सही बहुत सही इकतीस मई थर्टी फर्स्ट मई थर्टी फर्स्ट मई ठीक है अरे किसी ने कुछ पूछा था भाग भाग्या कहा भाग तो। बिल्कुल आएगा जीएस वाले पोर्शन में तो बिल्कुल आएगा बीम ऑफ इंस्पिरेशन क्या तुम्हें मैं इंसान नजर नहीं आती है? क्या तुम्हें मैं इंसान नजर नहीं आती क्या आपके घर पे कोई ऐसा है जो ये नहीं करता हो और मेरे को तो ऐसा लगता है आप तो पूरी ट्रेन चलाते होगे बताओ क्या पूछ रहा है ये इसको यही नहीं पता पूछना क्या है वाह ये हो रही है ये पूछा जाएगा तेरे से बेटा तू तो कर दिया टॉप तू तो ऐसा टॉप करेगा कि कट ऑफ वाले जहाँ पे एक सौ की कट ऑफ लगेगी तेरी अलग से बाकियों के 40 50 पे रहेगी तेरी 90 पे कट ऑफ जाएगी मतलब कुछ भी कुछ भी कहा से आता है इतना दिमाग भाई मैं सोच रही हूं पूछने की हिम्मत भी कैसे आती है चलो कोई बात नहीं एनीवेज आगे द मोस्ट सीरियस इनवायरमेंटल इफेक्ट पोज इज खतरनाक कचरे के उत्पन्न सबसे गंभीर पर्यावरणीय प्रभाव है पहला है एयर पोल्यूशन दूसरा है कंटेमिनेशन ऑफ ग्राउंड वाटर फिर है इंक्रीज यूज ऑफ लैंड फॉर लैंड फिर है नन ऑफ द अब बताओ जल्दी से बताओ जल्दी से आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे फटाफट बता, बताओ बी बिल्कुल सही बिल्कुल सही करण तमांग, तमांग बिल्कुल सही कंटामिनेशन ऑफ ग्राउंड वाटर देखो आपका इन्वायरमेंटल इफेक्ट जो सबसे ज्यादा होगा ना वो क्या होगा मान लो अगर आपके जमीन का ही पानी खराब हो गया अगर पानी ही खराब है तो पानी में ना तो जीवन ही कहा जाता है ना जल ही जीवन है तो जल पे ही प्रभाव पड़ेगा बी हो जाएगा एयर पोल्यूशन नहीं होता इतना एयर पोल्यूशन से हम इतना अफेक्ट नहीं होंगे जितना कि वाटर पोल्यूशन से होंगे ठीक है तो बी आंसर हो जाएगा यहाँ पे वैसे तो इक्विवेलेंट है परंतु फिर भी ग्राउंड वाटर को ज्यादा करता है वो आपका ठीक है क्योंकि इरिगेशन वगैरह कुछ भी नहीं होगा हाँ देख रहे हैं विनोद क्या क्या पूछ रहे हैं हमसे <laughs> चलो हैं कि वट इज द सिंबल ऑफ डब्ल्यू डब्ल्यू एफ वर्ल्ड वाइड फंड क्या है भाई ये आपका एक वन जीव कोश का प्रतीक क्या है बताओ जल्दी से भी रेड पांडा रोइडोडेंड्रम बियर इट टाइगर बताओ जल्दी से थैंक यू सो मच जिसने भी ये बताया है एक बार ये कर लेते हैं उसके बाद पीछे जाते हैं एंड थैंक यू सो मच किसका नाम था ये uh, मेरे को दिख नहीं रहा है पीछे जाते हैं हाँ हाँ रसोई घर ओके 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 टू थाउजेंड टू ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है तो इसका तो हो जाएगा भाई रेड पांडा क्या हो जाएगा रेड पांडा पीछे चलते हैं 2000 2005 थाउजेंड टू दो सौ पांच पे टू आगे की द ग्रीन हाउस गैस अदर वो इज कॉल्ड रेडियो एक्टिवली एक्टिव गैसेस इंक्लूड कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन नाइट्रोस ऑक्साइड और ऑल ऑफ दिस बताओ भाई ग्रीन हाउस गैसेस के लिए कौन सी गैस यहाँ पे एक्टिवली इंक्लूड होती है बताओ जल्दी से अच्छा प्रश्न है हिमेटोलॉजी क्या होता है हिमेटोलॉजी जो तो रगों में खून बह रहा है ना वो उसके अध्ययन को कहते हैं ठीक है ठीके? सुनील ठीक है देखो पहले तो ये समझो ग्रीन हाउस क्या होता है मैं पहले ही बता चुकी हूं ग्रीन हाउस क्या होता है दोबारा बता रही हूं ये आपकी अर्थ है ये क्या है आपकी अर्थ है यहां पे, ठीक है अर्थ है इतनी मान लो फिलहाल के लिए ये यह यहाँ पे आपका सूर्य है ये यह यहाँ पे क्या है सूर्य है, सूरज है ठीक है और यहां पे जो है ना गैसेस हैं, ये यह यहां पे क्या है गैसेस हैं। अरे अरे ये यहाँ पे आपकी अरे पे आपकी... अरे क्या हो रहा है ये ये गैसेस फैली हुई है यहां पे इस वाली चीज में ठीक है और गैसेस कौन सी है भाई यहाँ पे गैसेस है आपकी बिल्कुल अच्छी सी शानदार सी कार्बन डाइऑक्साइड ठीक है मीथेन नाइट्रस ऑक्साइड ठीक है ये करेंगी क्या जैसे ही आपकी सूरज की किरणें यहाँ पे आएंगी क्या करेंगी जैसे ही सूरज की किरणें यहाँ पे आती हैं इनको ये आ तो लेंगी ले तो लेंगी वापिस नहीं जाने देंगी कहेंगी कहाँ कहा जा रहे हो भाई हमारी हमारे हमारे ही रहो रहो अब तो घर में ये इसको वापिस नहीं जाने देगी ठीक है अपने साथ ही क्या कर लेगी बाइंड अप कर लेगी यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड हीट को ट्रैप कर लेगी जो आपकी सनलाइट आई उसको क्या कर लिया ट्रैप कर लिया जाने नहीं दिया अब ये क्योंकि धरती के पास है तो हीट का धरती के पास होने का मतलब क्या है कि धरती का भी तापमान बढ़ रहा है धरती का तापमान बढ़ रहा है तो हमारी ग्लेशियर्स जो होते हैं वो पिंगल जाएंगे तो त्रासदी ही त्रासदी ही त्रासदी। ठीक है तो यहाँ पे आपके जितने भी ये लिखे हुए हैं सारे के सारे ऑप्शन सही हैं यानी कि आपका ऑल ऑफ आर करेक्ट आंसर परंतु इनके अंदर जो सबसे ज्यादा एक्टिव होती है वो सबसे ज्यादा एक्टिव होती है कार्बन डाइऑक्साइड ये क्या होती है सबसे ज्यादा एक्टिव होती है मोस्ट रिस्पॉन्सिबल गैस फॉर ग्रीन हाउस गैस मोस्ट रिस्पॉन्सिबल गैस ठीक है ये तो गैस की बात है कई बार आपको ना ये दिखाई बोलेगा कि भाई बताओ रे वेव कौन सी होती है तो आपको कहना है ये तो गैसेस तो थी करम जली तो थी करम जली एक आ रे करके। है ना इंफ्रा रेड इंफ्रा रेड इनफ्रा रेड जो रे होती है ये भी ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ाती है ये भी क्या करती है ग्रीन हाउस को बढ़ाती है ठीक है चलो चलो ठीक है चलते हैं आगे चलते हैं ये हमारा हो गया ये हो गया इस पे स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इज किस ग्लूकोज का भंडारण रूप क्या है इंसुलिन ग्लाइकोजन ग्लूकागन प्रकटोज फ्रक्टोज अच्छा ठीक है कहाँ स्टोर होती है अगर मैं बात करूं आपके प्लांट्स की तो जो ग्लूकोज है तो एनिमल के अंदर ग्लाइकोजन की फॉर्म में होती है किसकी फॉर्म में होती है ग्लाइकोजन की फॉर्म में होती है तो यहाँ पे आपका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा ग्लाइकोजन हो जाएगा क्या हो जाएगा भाई ग्लाइकोजन हो जाएगा इंसुलिन कैसे होगा अबे अबे तेरे मैं ऐसा चांटम हूं मारो इंसुलिन हॉर्मोन है ये ये हॉर्मोन है ये दोनों क्या है हॉर्मोन है इंसुलिन और ग्लूकागन इंसुलिन का काम होता है शुगर को ग्लूकोज को कम करना आपके शरीर में और ग्लूकागन का होता है इसका उल्टा शरीर के अंदर ग्लूकोज को बढ़ाना अबे तुम तो अलग ही आंसर दे रहे हो दुनिया से अलग चलो आगे प्रश्न है कि थिग्मोट्रोपिज्म इज द रिस्पॉन्स ऑफ द प्लांट टू थिग्मोट्रोपिज्म पौधे के प्रतिक्रिया है किसके ग्रेविटी की वॉटर की लाइट की कॉन्टेक्ट की बताओ जल्दी से थिग्मोट्रोपिज्म थिग्मोट्रोपिज्म बहुत इजी है बी नो टच टच कॉन्टेक्ट टेक्ट छुईमुई देखिए छुईमुई का पौधा है ना छुईमुई का पौधा बिल्कुल मैं सेंसिटिव होता है जैसा ही आप उसको टच करोगे वो ऐसे हो जाएगा श्रिंक हो जाएगा ठीक है तो आपका वो किससे सेंसिटिव है कॉन्टेक्ट से सेंसिटिव है डी हो जाएगा थिग्मोट्रोपिज्म का मतलब होता है कि कोई भी चीज टच से सेंसिटिव हो आपकी ठीक है अच्छा अगर ग्रेविटी से हो तो ग्रेविटी से हो तो ग्रेविटी से तो, सेंसिटिव से हो तो क्या कहोगे आप उसको बताना जरा मुझे ग्रेविटी से हो तो क्या कहोगे अरे बता दो भाई जियोट्रॉपिजम बोल दोगे ग्रेविटी के लिए हो तो जियोट्रोपिज्म बोल दोगे ठीक है वाटर के लिए हो तो हाइड्राट्रोपिज्म दोगे हाइड्रोट्रोपिज्म लाइट के लिए हो तो आपको पता है थर्मोट्रोपिज्म बोल दो थर्मोट्रोपिज्म बोल दो लाइट के लिए है तो ठीक है ग्रेविटी, वाह 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 मोज कर देते हो तुम तो ऐसे ऐसे आंसर करके आगे कि रूट हेयर आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम जड़ के बाल उत्पन्न होते हैं कहां से ट्र, ट्राइकोम से ट्राइकोब्लास्ट राइजोडर्मिस एपिडर्मिस बताओ रूट हेयर्स अब आप कौन से हेयर सोचो कि मुझे नहीं पता ये है आपकी जो पौधों की रूट होती है उसके जो हेयर्स होते हैं उसके ऊपर जो छोटे छोटे हेयर्स होते हैं वो कहाँ से आते हैं अच्छा रूट हेयर आपकी मान लो ये रूट है इसके ऊपर ये हेयर आ रहे हैं यहाँ पे तो ये बाहर वाली लेयर कौन सी है एपिडर्मिस सबसे आउटर कौन सी होती है एपिडर्मिस होती है तो हेयर भी तो वहीं से निकलेंगे ना एपिडर्मिस से तो आंसर क्या हो जाएगा एपिडर्मिस हो जाएगा डी हो जाएगा सिंपल सा है इसका कुछ भी नहीं था आंसर कुछ था इसके अंदर आगे सेकंड ओजोन होल वोज डिटेक्टेड ओवर दूसरा ओजोन छिद्र पता चला था कहा एंटार्टिका पे आर्टिका पे स्वेडन में नॉर्थन पहले का हमको पता है पहला हमारा है एंटार्टिका पे पहला कहा है एंटार्टिका पे दूसरा कहा है दूसरा कहा है बरगद वाले नहीं होते वो नहीं वो एडवेंटेनियस होती है रूट्स एडवेंटेनियस होती है बिल्कुल सही सपना मीना कहा थी आर्टिका में आर्टिका में आर्टिका आर्टिका के अंदर सेकंड था ठीक है बी हो जाएगा बी बहुत सही बहुत सही भाई डी कैसे कह रहे हो तुम सभी डी सी वाले मुझे समझ नहीं आ रहा तुम कहां पे छेद बना रहे हो है? बी हो जाएगा करेक्ट करो अपने आंसर्स को आगे ग्लाइकोलाइसिस ड्यूरिंग फर्मेंटेशन रिजल्ट इन नेट गेन ऑफ किनवन के दौरान ग्लाइकोलाइसिस के परिणाम स्वरूप शुद्ध लाभ कितना होता है दो एटी एक, एक एटीपी दो एटीपी तीन एटीपी चार एटीपी बात है सिंपल सी यहां पे आपके पास रेस्पिरेशन हो, क्या, हो? हो। और ग्लाइकोलीसिस का मतलब क्या होता है, ग्लाइकोलीसिस का मतलब होता है का और ग्लूकोज में टूटती है ग्लूकोज ए टूटती है अगर वहां पर एनोर्बिक रेस्पिरेशन है तो वहां पे एक ग्लूकोज दो एटीपी के अंदर कन्वर्ट होती है कितने के अंदर दो एटीपी के अंदर परंतु यहीं पे मान लो अगर वहां पे क्या है एरोबिक रेस्पिरेशन होता एरोबिक रेस्पिरेशन होता तो वही ग्लूकोज एक ग्लूकोज 36 एटीपी के अंदर टूटती कितने के अंदर 36 एटीपी के अंदर टूटती परंतु बात किस चीज की है फर्मेंटेशन फर्मेंटेशन यानी कि एनोर्बिक रेस्पिरेशन अच्छा फर्मेंटेशन करता कौन है यीस्ट करती है कौन करता है यीस्ट करती है खमीर करती है ठीक है फर्मेंटेशन में क्या बनता है एल्कोहल बनती है क्या बनती है एल्कोहल बनती है एल्कोहल की कौन सी फॉर्म बनती है इथाइल बनती है कौन सी बनती है इथाइल बनती है तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका टू एटीपीज हो जाएगा क्या हो जाएगा भाई टू एटीपीज हो जाएगा क्यूरी से भी पढ़ाएंगे संदीप जी बिल्कुल पढ़ाएंगे और अगर आप क्लास में नहीं मिले तो फिर आपके हम लंका भी लगाएंगे ठीक है थोड़ा सहज रखो अभी सब कुछ कराया जाएगा थोड़ी सहजता बोल तो रही हूं, थोड़ा आज आज की बात है कल से एटम के एमसीक्यू कराऊंगी आपको कल को उसके बाद थ्योरी कराएंगे एक दिन हफ्ते में थ्योरी ही करेंगे जो आपका सैटरडे होगा या फिर एक कोई भी होगा वन शॉट चला करेंगे एक शुरू करेंगे बस थ्योरी खत्म करके मानेंगे एक चैप्टर की तब तक तो वो चैप्टर खत्म नहीं होगा हम मानेंगे नहीं ठीक है है द डिसएडवांटेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन इज कि स्वपरागण की हानि है क्या सीड आर लेस इन नंबर बीज संख्या में कम होंगे नो डिपेंडेंस ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट परागण एजेंटों की कोई निर्भरता नहीं मैकेनिज्म सिंपल बहुत ही सरल तंत्र है या फिर नो वेस्टेज ऑफ पॉलिंग्रेन परागणों की बर्बादी नहीं तो सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है देखो आपका क्या होता है ना हर कोई पपीता नहीं होता हर कोई पपीता नहीं होता कि महबूबा दूसरे पेड़ पे लटकी हुई है ठीक है कोई कोई चाइना रोज भी होता है कि एक ही घर में लेके बैठे लिविंग में रह रहे हैं हम तो है ना तो वहां पे क्या होगा मेल और फीमेल जब पेड़ के एक ही फूल के अंदर हो तो हम उसको कहते हैं सेल्फ पोलिनेशन ठीक है और जब सेल्फ पोलिनेशन होता है तो वहां पे एक ही तो पोलन ग्रेन होगा वहां पे आपकी अगर ऐसी कोई कंडीशन है तो मतलब कि पोलन ग्रेन कम नंबर में होंगे ठीक है ओव्यूल्स वहां पे कम नंबर में होंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास भाई यहाँ पे आपके पास बीज बहुत कम होते हैं बस एक ही चीज होती है यहाँ पे बीज बहुत कम होते हैं ए बाकी सब बढ़िया होता है फर्ट, सेल्फ फर्टिलाइजेशन बेस्ट होता है परंतु एक चीज हो जाएगी कि बीज संख्या में कम होते हैं कम होते हैं ठीक है चलो सचिन कुमार तुम्हें आता है समझ में वैसे नॉर्मली तुम्हें आज समझ नहीं आ रहा ये इतने सारे प्रश्न मैं रिपीट करा रही हूं यहाँ पे चेंज होके आ रहे हैं बार 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 आगे है कि इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट ऑन द सरफेस द फोटो इलेक्ट्रिक करेंट की सतह पर आपतित प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाकर प्रकाश विद्युत धारा बढ़ता है घटता है बदलता ही नहीं है इंक्रीज इनिशियली एंड देन डिक्रीज बताओ जल्दी से बताओ जल्दी से ए, बिल्कुल बिल्कुल दिव्यार्थी दिव्यार्थी शेख तनवीर तनवीर बहुत सही शिपू बारीक सत्यम मधुकर चो चोरिया गौरव अनएम्प्लॉयमेंट बहुत सही इंक्रीज हो जाएगा भाई क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा अरे अरे देखो ये देखो मैं फिर आ गया डी आंसर बोल के गलत बता रहे है नमस्ते भाई रंजन जी नमस्ते टीका करके आना था मैम आपके बॉयफ्रेंड का क्या नाम है विजय चौधरी अगर तुमको मेरे बॉयफ्रेंड का टीका करके आना हो तो प्रिय मैं आपको नाम बता दूं? नहीं तो अपने काम से काम रखे ना प्लीज आगे है कि द फिनोमिना ऑफ लाइट स्प्लिटिंग इन टू सेवन डिस्टिंग कलर वेन इट पास थ्रू प्रिज्म इज कि प्रिज्म में गुजरने पर प्रकाश के सात अलग अलग रंगों में विभाजित होने की प्रोसेस को क्या कहते हैं पहला डिफ्रेक्शन पोलराइजेशन डिस्पर्जन रिफ्लेक्शन बताओ जल्दी से हां जी बिल्कुल एसपी सिंह पाल आप, मतलब समझ नहीं आता मतलब तुम करना क्या चाहते हो मतलब चाहते क्या हो जिंदगी से क्लास टाइमिंग डेली तीन बजे होती है भाई तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डिस्पर्जन जो कि हम पहले भी कर चुके हैं क्या कर चुके हैं पहले भी कर चुके हैं वहां पे यहाँ पे प्रिज्म का नहीं रखा था यहाँ पे बस इन्होंने प्रिज्म रख दिया है अभी ठीक है चलो इसी के साथ अगले प्रश्न पे चलते हैं कह रहा है कि एज ऑफ ट्रीज कैन बी अंडरस्टैंड बाय कि आपके पेड़ों की उम्र किसके द्वारा समझी जा सकती है पहला मेजरिंग द डायमीटर ऑफ पिथ द थिकनेस ऑफ बाक काउंटिंग नंबर ऑफ रिंग्स लेंथ ऑफ मेडुलरी रेज बताओ जल्दी से बहुत अच्छा प्रश्न है अच्छा जब भी हम बात करते हैं एज ऑफ ट्रीज जो हम अंडरस्टैंड करते हैं तो वहां पे एक चीज आती है डेंड्रोलॉजी क्या डेंड्रोलॉजी डेंड्रोलॉजी क्या होती है इसके अंदर हम पेड़ को काटते हैं यह हमारा पेड़ है ऐसे वाला पेड़ है। इसको यहां से काटते हैं और जब यहां से काटेंगे तो देखेंगे यहां पे ना बहुत सारे छल्ले होते हैं छल्ले कैसे होते जब गर्मी का सीजन होता है तो वहां पे हल्के हल्के रंग के सर्दी का सीजन है तो वहां पे गाढ़े गाढ़ा सा रंग मिलता है ठीक है तो इस प्रकार के हमको छल्ले दिखाई देते हैं उनको हम काउंट करते हैं उन छल्लों को काउंट करके हम बताते हैं कि पेड़ की उम्र क्या है तो यहाँ पे जो आपका आंसर आना है सी आंसर आना है ठीक है चलो ये तो हो ही नहीं सकता रोंग चलो बहुत सही है बहुत सही है और सभी बच्चों को मैं बताना चाहूंगी कि आज जो है तो आपके 2017 2018 ये और प्लस 2020 ये वाले एमसी आपके कंप्लीट हो चुके हैं ये पी वाई क्यू है ये क्या है पी वाई क्यू है ये वाले सारे हो गए हैं आपके यहाँ तक ये यह आपको दिखाई दे रहे ना 216 सौ सोलह यहाँ तक आपके 2017 18 और आपके 20 वाले पीवाई क्यू कवर हो गए हैं सम वट यहाँ पे बीच में आपके 19 वाले भी हैं शायद से एक आधा एक आधा होगा कहीं कहीं ठीक है

को सोल्व करेंगे हम ठीक है दो दिन क्लास हो जाएगी हद से हद से दिन मैं क्लास नहीं कराऊंगी उसकी, सेम चैप्टर पे ठीक है चलो उधर से आपके सारे जो एस्पेक्ट्स होते हैं कवर हो जाते हैं इसी के साथ सभी बच्चे लाइक कर दे सेशन को, को जरूर टैप कर देना, so the, so मिलते हैं कल हा चलो ओके अभी क्या लेते हैं अलविदा बाय बाय प्रवीण सिंह यू कैन मैसेज मी राइट आपको ये जो पीडीएफ है इंजीनियर्स अड्डा पे मिल जाएगी आप नीचे देखोगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो वहां पे टेलीग्राम का लिंक गिवन है आप वहां से ज्वाइन करो वहां पे मैं अब इसको भेज दूंगी क्योंकि आपके ओवरऑल क्वेश्चन हो चुके हैं ठीक है ठीके? तो अभी के लिए बाय गाइस मिलते हैं कल तीन बजे बाय बहुत सारा प्यार